नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सीएम ने 413 रोजगार सेवकों के खाते में भेजा 84 लाख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडीओ व 10 रोजगार सेवकों से संवाद किया। इसके बाद 413 रोजगार सेवकों के खाते में उनके मानदेय का 84 लाख रुपया जारी किया। लॉकडाउन के 50 दिन डेढ़ महीने में मौत का आंकड़ा 1 से 81 तक पहुंचा। लॉकडाउन शुरू होने पर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 25 थी और लॉकडाउन में 50 दिन पूरे होते ही यह संख्या बढ़कर 3614 तक पहुंच गई है। इस तरह कोरोना वायरस मरीजों की मृत्यु होने का सिलसिला 1 अप्रैल से शुरू हुआ, अब यही आंकड़ा 81 तक पहुँच गया है। लॉकडाउन के 46वें दिन 8 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 10 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संकट में योगी सरकार ने ये लिए महत्वपूर्ण फैसले। चीन की वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस कोविड-19 ने भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। दुनिया भर में अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 2.9 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले भारत में 74,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, इनमें से 24,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने सभी तबादलों पर लगाई रोक। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा मंगलवार देर रात तक जारी एक परिपत्र कहा गया है कि अगले आदेश तक तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कोताही लग रही भीड़। लॉकडाउन 3 के बाद मिली छूट के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग बाजारों में भीड़ लगाकर अपने कार्य को में जुटे नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी बाजार में भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह दुकान खोलते ही जरूरत के सामानों की खरीदारी करते दिखे गए। बाजार में बाइक चार पहिया वाहनों की संख्या में अधिक देखने को मिली है। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।